आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसको आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। सबको ये बहुत पसंद आएगी। जब ये सब लोग खाएंगे, सब खुश हो जाएंगे इसे खाकर। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रसपोटली को बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बोल में ले लिया है 2 टेबल स्पून ताजी मलाई को। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून गरी का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट को। अब इसमें डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी को। कुछ मेवे काटे हैं इसमें डालने के लिए, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू इसमें हमने काटा है। आप चाहें तो इसमें किशमिश, अखरोट या फिर कोई भी मेवा जो आपको डालनी हो वो डाल सकते हैं, और जो ना डालनी हो उसको स्किप कर सकते हैं। हमने जो मेवा ली है, तीनों में से थोड़ी थोड़ी मेवा इस बोल में डाल देंगे। अब जो ये बाकी बची मेवा है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाना है इसलिए अब हम इसको हाथों से मिला लेंगे, इससे अच्छे से मिल जाता है। दूध वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मलाई डाली है इसलिए अच्छे से ऐसे ही मिल जाएगी। अभी इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी डाला है। अब इसमें डाल देते हैं 0.5 लीटर दूध। पानी की वजह से दूध जो है तली में चिपकेगा नहीं। कच्चा दूध हो या फिर पहले से उबला हुआ दूध हो, कोई भी दूध लिया जा सकता है। अब इस दूध को पकाकर आधा करना है। जब तक दूध में उबाल नहीं आ रहा है तब तक हम गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और फिर इसको चलाते जाएंगे। कढ़ाई के किनारियों से जो मलाई चिपके उसे छुटाकर इसी कढ़ाई में वापस से डालते जाएंगे। अब इस दूध में से 1.5 चम्मच दूध कटोरी में निकाल लिया है। इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं। चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख लेते हैं। केसर के धागे की जगह आप येलो फूड कलर को भी ले सकते हैं, नहीं तो आप दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। इस दूध को कुछ देर के लिए और चला लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं केसर वाला दूध। दूध को फिर से चला लेंगे। 3-4 मिनट के लिए इस दूध को और पका लेंगे जिससे ये दूध हल्का सा और गाढ़ा हो जाए। दूध पहले से आधा हो गया है। कढ़ाई की किनारी पर जो दूध की मलाई चिपकी थी उसको वापस से खुरच कर कढ़ाई में डालते गए हैं, जिससे दूध में काफ़ी अच्छी सी मलाई पड़ी है। दूध ठंडा होने पर हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसको साइड में रखते हैं। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। गैस पर हमने एक भगोना चढ़ाकर इसमें 1/4 कप चीनी डाली है। जितना चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर चीनी को पिघलने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते जाएंगे। इसकी हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इस चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर को डाल देते हैं। इलायची पाउडर जब भी डालें तुरंत बनाकर डालें, इससे बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है। चीनी पिघल गई है, चाशनी भी लगभग बन चुकी है। चेक करते हैं इसे। जब इस तरह से उंगली में लेकर अंगूठे से मसलेंगे तो आपको ये चिपचिपी लगनी चाहिए। चाशनी अब हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। गैस को बंद कर देंगे। फिलिंग का जो ये मिक्सचर बनाया था उसमें भी थोड़ा सा इलायची पाउडर को डाल देते हैं। एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब हमने ली है ब्रेड। ये हमने 7 ब्रेड ली है। इसकी किनारी को काटकर अलग कर देंगे। जब भी इस मिठाई को बनाएं ताजी ब्रेड को ही लें। सारी ब्रेड की किनारी को इसी तरह से निकाल देंगे काटकर। ब्रेड सबको आसानी से हर जगह मिल जाती है और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ को बनाया जा सकता है, इसलिए हमने इस ब्रेड को यूज़ किया है। किनारियों को पीस कर हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। किनारी हमने सब ब्रेड की निकाल ली है। किनारियों को हम प्लेट में रख लेते हैं और ब्रेड को भी हटा लेते हैं। अब एक ब्रेड को लेकर इसके चारों तरफ की किनारी को पतला करना है, इसलिए चारों किनारी को बेलन से बेलकर पतला कर लेंगे। ब्रेड ताजी और सॉफ्ट है इसलिए बेलन से हल्का सा अगर किनारी पर दबाएंगे तो भी ये पतली हो जाएगी। बीच में ब्रेड को नहीं बेलना है, बस किनारियों से ही इसे पतला करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साइड में रखते हैं और इसी तरह से दूसरी ब्रेड को भी तैयार कर लेंगे। इसकी तैयारी में बहुत ही कम समय लगता है। ये देखिए इस ब्रेड को भी तैयार कर लिया है। अब हमने एक ब्रेड को लिया है जो हमने बेलकर रखी थी। इसकी किनारी पर दूध या फिर पानी लगाकर इसे गीला कर लेंगे। ब्रश या फिर उंगलियों की हेल्प से दूध या फिर पानी को लगाना है। अब हम ब्रेड को ले लेंगे और बीच में 1 या फिर 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग को रख देते हैं। फिलिंग इतनी रखेंगे कि सारी ब्रेड में आ जाए। अब हम किनारियों को पकड़ के इस तरह से हम ब्रेड की जो फिलिंग रखी थी उसको कवर कर देंगे। ब्रेड की किनारियों को एक साथ पकड़कर दबाते हुए कवर कर देना है फिलिंग को। ताजी ब्रेड है इसलिए आसानी से कवर हो जाती है। ये देखिए इसको प्लेट में रख लेते हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड है फिलिंग का वो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए हमने ली है एक पॉलीथिन, सॉफ्ट पॉलीथिन लेनी है। अब इस पॉलीथिन पर एक ब्रेड को रखेंगे और ब्रेड के बीच में रख देते हैं फिलिंग को। इस ब्रेड पर हम दूध या फिर पानी को नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। फिलिंग को रखने के बाद पॉलीथिन को हाथ में लेकर ब्रेड को इकट्ठा कर लेंगे हाथ से इस तरह से।
ब्रेड को हाथ से इकट्ठा करने के बाद पॉलीथीन को इस तरह से पकड़ लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को टाइटली पकड़कर नीचे वाले हिस्से को इस तरह से घुमाते जाएंगे और फिर इसे खोल देंगे। अब दिखाते हैं कितना अच्छा इसका शेप आया है। ये देखिए, आपने देखा कितना बढ़िया इसका शेप आया है। जो तरीका आपको अच्छा लगे फिलिंग को भरने का, उस तरीके से आप फिलिंग को भर सकते हैं। मैंने सारी ब्रेड की पोटली को बना लिया है। किसी गहरी प्लेट में पोटली को बनाकर रखना है। इन पोटली के ऊपर गुनगुनी चाशनी को डाल देंगे। अगर जो चाशनी बनाकर रखी है वो ठंडी हो गई हो तो उसे हल्की सी गर्म कर लें। हल्की गर्म चाशनी होगी तो ये ब्रेड के अंदर आसानी से पहुंच जाएगी। ब्रेड की पोटली के ऊपर डालने के बाद चाशनी जो बची है उसे बीच में डाल देंगे। सारी चाशनी को हमने इसी में डाल दिया है। चाशनी डालने के बाद दूध की जो रबड़ी बनाई थी वो भी हम इसी में डाल देते हैं। ठंडा होके ये दूध हल्का सा गाढ़ा हो गया है। मलाई भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आई है। इसको भी हम इसी तरह से पोटली के ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं कटी हुई मेवा को जो बचाकर रखी थी। अब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कीजिए और फिर इसे खाइए। इस तरह से इस पोटली को बनाकर जिस किसी को भी आप खिलाएंगे वही आपकी तारीफ करेगा। किसी भी खास मौके पर इसे बनाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए।